अत्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूँ आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना वायरस महामारी का अंत अब तक नहीं हुआ है और बार बार जब कोरोना के नए मामले बढ़ते हैं तो ये संकेत सामने आते हैं कि अभी हमें और संभलने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मामले जब कम होने शुरू हुए थे तो लगा कि अब स्थिति कंट्रोल में है, अब स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन आपको बता दें, 7 जून को दिल्ली के अंदर कोरोना के जो नए मामले हैं वो 231 रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों की संख्या भी 36 थी, लेकिन 8 जून को ये मामले बढ़ गए और 316 मामले रिकॉर्ड किए गए। वहीं मरने वालों की संख्या भी 41 हो गई। कोरोना वायरस के मामलों में ये जो वृद्धि हुई है, ये जो बढ़ोतरी हुई है, ये हमें संकेत दे रही है कि हमें अभी और संभलना है। हमारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव हमारे लिए और परेशानी बढ़ा सकता है। मई महीने को डेडलीस्ट मंथ कहा गया। 2021 में मई का महीना सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ दिल्ली के लिए। 9000 से ज्यादा लोगों की जान उस महीने में चली गई। लेकिन जून में अब तक क्या कुछ कोरोना ने तबाही मचाई है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1 जून को दिल्ली में 623 कोरोना के नए मामले सामने आए और 62 लोगों की मौत हो गई। 2 जून को कोरोना के नए मामले 576 रिकॉर्ड हुए, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा और 103 पर जाकर रुका। वहीं 3 जून को कोरोना के मामलों में कमी आई और 487 मामले सामने आए, जबकि 45 लोगों की जान चली गई। वहीं 4 जून को 523 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और 50 लोगों की जान कोरोना ने ले ली, जबकि 5 जून को 414 कोरोना के नए मामले सामने आए और मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया और 60 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 जून को कोरोना के नए मामलों में गिरावट देखी गई और 381 मामले रिकॉर्ड किए गए, जबकि मरने वालों की संख्या में भी कमी हुई और 34 लोगों की जान गई। वहीं 7 जून को दिल्ली में 231 कोरोना के नए मामले सामने आए। ये जून के महीने में सबसे कम आंकड़े थे और 36 लोगों की जान गई। लेकिन 8 जून को फिर से कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी हुई और 316 मामले रिकॉर्ड किए गए और मरने वालों की संख्या भी 41 थी। ये आंकड़े ये इशारा करते हैं कि अभी भी दिल्ली में खतरा बरकरार है। कोरोना वायरस महामारी दिल्ली से खत्म नहीं हुई है। मामलों में गिरावट जरूर देखी गई है, लेकिन ये हमें आगाह कर रहे हैं कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है। और साथ ही साथ जिस तरह से मामलों में जब कमी आई तो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। आप जानते हैं कि अब दिल्ली में मेट्रो चल रही है, अब आप अपने रोजगार पर निकल रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपना खास ख्याल रखें, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी अपने लिए नहीं है बल्कि हमारे परिवार के लिए है, हमारे समाज के लिए है। अगर हम कोई भी लापरवाही बरतेंगे तो इसका असर सीधे तौर पर हमारे परिवार और हमारे समाज पर पड़ेगा। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो आपके पास मास्क ज़रूर होना चाहिए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहिए।